नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जाधव हूं और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। अपने संबोधन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार और उद्यम के क्षेत्र में अवसर पैदा किए। पिछले 10 सालों में सकारात्मक बदलाव हुए हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आम जनता को विकास का फायदा हो रहा है। सबका साथ और सबका विकास हमारी सरकार का मूल मंत्र है। कोरोना के बाद इकोनॉमी काफी तेजी से बढ़ी है। लोगों को रोजगार के नए मौके मिले और हमारी सरकार ने युवा देश की आकांक्षा को पूरा किया और गांव में लोगों के विकास पर भी काफी जोर दिया। वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ही जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा किया। 2047 तक विकसित भारत बना लेंगे। देश में 80 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया। हमारी सरकार का जोर गांव के विकास पर फोकस है। हमारी सरकार में देश में नौकरी के अवसर काफी ज्यादा बढ़े हैं। किसानों की आर्थिक आय को बढ़ाया गया। पिछले 10 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा था। सरकार ने उन सभी चुनौतियों पर काबू पाया है और संरचनात्मक सुधार भी किए गए हैं। जनहितैषी सुधार किए गए। देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है। वे आशान्वित हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौती, जनता के हित में काम शुरू लगातार हम कर ही रहे हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए हैं। देश में नया उद्देश्य और उम्मीद जागी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की। सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बीते 10 सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते 10 सालों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए और सरकार गरीबों को सशक्त बना रही है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिला है। मुफ्त राशन से 80 करोड़ लोगों की खाने की चिंता खत्म हुई। पिछले 10 साल में 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को 70% आवास मिले। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने नागरिक प्रथम और न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन दृष्टिकोण के साथ जवाबदेह, जन केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन प्रदान किया। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि अगले 5 साल देश के लिए अभूतपूर्व विकास का समय होगा। विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त होगा। जनधन खातों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से 34 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए। इससे 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। वित्त मंत्री का ऐलान किया कि मिडिल क्लास के लिए नई आवास योजना लाई जाएगी और साथ ही ये भी कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेविकाओं को भी हेल्थ कवर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों का अपग्रेडेशन होगा। अगले 5 साल में 2 करोड़ परिवारों को आवास दिए जाएंगे। 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनेगी। 5 नए एक्का पार्क खोले जाएंगे और 9 से 14 साल की लड़कियों के मुफ्त टीकाकरण होंगे। इसके साथ ही किराए पर रहने वालों को भी मकान दिया जाएगा। आज के बजट पर आपकी जो भी विचार है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।